आगे हम लोग घर कैसा लगा? अच्छा है। हाँ, इतना अच्छा भी नहीं है, बस दो दिन पहले ही सफाई हुई थी इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अब वैसे हम लोग छुट्टी में आते हैं सिर्फ यहाँ पे। आप जाके फ्रेश हो जाइए ना, मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। यार वो माँ का फोन आया था, तुम्हारा फोन बंद है शायद। क्या कहा उन्होंने? कुछ खास नहीं, घर पे पहुँचे भी नहीं, वगैरह वगैरह। सफ़र कैसा रहा? अच्छा, आपसे एक बात पूछे। इतनी जल्दी क्या थी? आई मीन, हम माँ बाबा के साथ एक हफ्ते रुक सकते थे। आपने कहा वही दिन निकलते और हम निकल गए। आंटी माँ कह रही थी कि एक दो हफ्ते रुक जाओ, आज ही आई हो। अरे वो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नई फैमिली, नई जिम्मेदारियाँ, और फिर हमें भी तो एक दूसरे से टाइम नहीं मिला ना। नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा किया। और वैसे भी तो एक हफ्ते की बात है, आप ही काम करो, प्राइस लो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लो। नहीं थैंक यू, मेरा पेट भर गया। और मैं माँ को भी कॉल करती हूँ, वो परेशान होगी। मैं सिर भी बहुत दर्द कर रहा है, मैं सो जाती हूँ। ठीक है। हाँ माँ, सब ठीक है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले पहुँचा। वो तुम्हारे लिए दवाई लेके आया था, मैं इधर रख रहा हूँ मैं। हाँ माँ, हाँ सब ठीक है। सॉरी, आइस के लिए नहीं, वो कल रात के लिए। कल रात मुझे क्या हो गया था,
होश में नहीं था मैं, इसलिए हो गया। आई एम सॉरी, पर आगे से कुछ नहीं होगा। इधर देखो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और कुछ होगा ना तुम्हारी रजामंदी से होगा, ठीक है? अच्छा, वो ट्रेवल एजेंसी वाले का फ़ोन आया था, वो टिकट का कुछ इशू है, मैं जाके आता हूँ। कह रहा कि 15 दिन रुकना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे, ऐसा बोल रहा था, लेकिन मैं करवा लूँगा, घबराओ मत। जाओ अंदर रखो, आता हूँ मैं। और सुनो, तुम्हारे लिए कुछ लेते हूँ नहीं? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, खाना वाना खा लेना।